परवर्ती खबर को आसवा नक्सल को ऊपर पुलिस भारी राज्य को संपूर्ण माओमुक्त करने प्रस्तुत हो ब्लू प्रिंट पुलिस डीजी देखते चेतावनी आत्मसमर्पण कर निस्तार ना कलाहांडी में सीआरपीएफ स्वतंत्र डीजी सहित पुलिस मुख्य माओदमन प्रस्तुत कर ब्लू प्रिंट आउपटे मलकानगिरी स्वाभिमान अंचल आउ एक नुआ कैंप स्थापन करएसएफ छ दशंधि पर सेठे जवान मैंने उड़ाई त्रिरंगा लाल गोड़ में आहरी शक्तिशाली है पुलिस मलकानगिरी जिला चित्रकोंडा अंचल स्थापन है बीएसएफ आउ एक कैंप नक्सल चरा भूई कहुवा बणसपुट पंचायत गोरा सेतु बीएसएफ तृतीय बैटालीयन पक्षर स्थापन करा नुआ कैंप आउ दीर्घ छह दशंधि पर अंचल भिड़ी त्रिरंगा पूर्वर दिन राति एक करी केवल गुरुप्रिया सेतु को सुरक्षा जगाउथुबा बीएसएफ जवान माने एबे जोड़ांब दे गुली गोला सह पहुंची गोरा सेतु सरकार योजना को भंडूर करुथुबा लाल बाहिनी को एबे मिलिब चेक आगेबो विकासशील प्रक्रिया वर्ष वर्ष धरी नक्सल नाली आखिरे नई पड़ुथुबा आदिवासी को पाई एबे सुरक्षा प्राचीर साजिबे जवान गोरा सेतु रे बीएसएफ कैंप ला हमको तो बहुत खुशी लागुची आगरे जोड़ांब रही जाइतला तेणुक आम भी टी डरबर बुल्थलु तांके सियाडे गले पुलिस संपर्क अच्छे जोड़ा आम लाइन रे गले एमती भी कहते बहुत खुशी लगला नहीं आज्ञा गोटे कैंप रहा आमको एपट सेपट हाँ बहुत डर लगुला एवं गुरा सेठ आर कैंप होगा आमको बहुत साहस लगलानी एवं बहुत खुशी लगलानी गुरा सेतु नुआ बीएसएफ कैंप रे सीमा सुरक्षा बाहिनी प्राय शहे जवान रे अलर्ट माओ दमन अपरेसन सह बणसपुट अंचल रास्ताघाट स्कूल अंगनवाड़ी निर्माण कार्य प्रशासन को जोगाई देवे सुरक्षा यह नुआ बीएसएफ कैंप द्वारा आग को तीनोटी पंचायत बणसपुट जंत्री और अंड्रापाली लोके सुरक्षित जीवन जापन करें एसपी डी ऋषिकेश खिलारी सेपटे भुवनेश्वर पुलिस महानिर्देशक अभय कहते मलकानगिरी स्वाभाविक अंचल विकास कार्य को त्वरान्वित करने दिगरे बीएसएफ रो नुआ कैंप जथेष सहायक हेबो कलाहांडी रे हमर स्थिति खूब भल अछि एंड मु भाउछि शीघ्र से जगह रे मो इस समस्या रा दमन आमे करि पारि गोटिए पटे मलकानगिरी रे बीएसएफ कैंप आउ गोटिए पटे कलाहांडी रे सीआरपीएफ स्वतंत्र डीजी कुलदीप सिंह को सह पुलिस महानिर्देशक अभय को समीक्षा बैठक बैठक रे कलाहांडी नवरंगपुर नुआपड़ा और कंधमाल जिले में माओ दमन प्रस्तुत करा रणनीति सीआरपीएफ स्वतंत्र डीजी कुलदीप सिंह कहते पुलिस एवं सीआरपीएफ जवान मिलित ऑपरेशन राज्य स्तर में समन्वय बैठक करा दरकार पुलिस डीजी कहते ओडिशा रे माओवादी को आउ निस्तार नहीं सेमान को पाई आत्मसमर्पण ही एकमात्र विकल्प छत्तीसगढ़ की तरफ गरियाबंद में उधर के डिस्ट्रिक्ट्स में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है मैं उस स्टेट को भी देखता हूँ तो वहाँ से क्या क्या सीआरपीएफ की तरफ के हम लोग कर सकते हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए आज की ये मीटिंग हम लोगों ने रखी थी और प्रेजेंटेशन लिया सीआरपीएफ से भी बातें सुनी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी बातें सुनी जिनकी जो समस्याएँ थी उनको हम लोगों ने जितना संभव यहीं से निदान किया सब माओवादी मैंने को अपील करूँ कि से मैंने उड़ीसा के मुख्य धारा संगे सम्मिलित हूँ से मैंने हिंसार बाट छाड़ी दिंतु आम सरेन्डर कर दिंतु एवं उड़ीसा सरकार जे बहुत उदार गोटे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अच्छी तार यूज कर पुलिस डीजी अभय अध्यक्षतार समीक्षा बैठक में सीआरपीएफ स्वतंत्र डीजी राज्य गुइंदा मुख्य आरके शर्मा आईजी ऑपरेशन अमिताभ ठाकुर सीआरपीएफ आईजी एसके महांति सहित तीन जिलार एसपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जोगद भुवनेश्वर सुमंत सुंदराय कलाहांडी असुमान पात्र और मलकानगिरी महेन्द्र पाणिग्राही न्यूज 18 ओडिया।